ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। कि गाइस अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। तो गाइस जो मॉडल होगा गाइस वो आप मतलब कि बैठ के खड़े होकर कैसी फोटो क्लिक करवा लेना वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहां पे जो है एंड बैकग्राउंड रिस्क के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है हम यहाँ पे मॉडल को रख लेते हैं कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे जब आप मॉडल यहाँ पे ऐड करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है शेडो वगैरह ही बनानी है। तो उसके लिए करना है आप सभी को, आपको यहाँ पे सिंपली जो प्लस दिख रहा है ऊपर की तरफ आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ ब्लैक कलर का जो ये बैकग्राउंड है इसको ले लेना है एंड कर देना ऐड। एंड इतना कर देने के बाद आपको गाइस फिर क्या करना, आपको यहाँ फुल स्क्रीन करना है, इसको नीचे की तरफ ले जाना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट रूम में जाकर इन्वर्ट कर देना, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद जो है आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड फोटो को जूम करने के बाद जो है आपको अपने यहाँ पे शूज़ के नीचे इस तरीके से आपको पेंट करना है, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको शेडो बनाना कुछ इस टाइप से सिखा रहा हूँ, एंड कई लोग जो है ड्रो टूल एंड ऑटो डेक्स स्केच बुक से भी शेडोज बनाते हैं, तो गाइस आप लोग चाहो तो वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ क्या गाइस हमारी है इसमें शेडो, अगर हमें चाहिए शेडो चाहे वो कैसे भी बनाओ बस हमें शेडो चाहिए, ठीक है। तो आप लोग शेडो बना लेना, एंड उसके बाद जो हम इसको मूव डाउन कर देंगे, एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे ओपेसिटी जो इसकी कम कर देंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से इतनी रख लेते हैं, एंड इतना परफेक्ट है। अब गाइस देखिए यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है, अभी हम इसको कर लेते हैं डन। अब गाइस इसके बाद आपको ये करना है, आपको जाना ऐड फोटो में अगेन, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ना विगनेट का पीएनजी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स इसको ऐड कर देना है, ठीक है। एंड जब ये ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे फोटो को डन कर देना है, ठीक है। इससे जगह ये फोटो में जब डार्कनेस आ जाएगी तो फोटो अच्छी लगेगी। फिर इसके बाद गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस इसमें ऐड करना एक पार्टिकल का पीएनजी, जिससे गाइस एक फोटो में मतलब पार्टिकल वगैरह आएंगे ना तो गाइस फोटो जो है मतलब थोड़ा रियलिस्टिक सा लगेगा, एंड जो मतलब ब्लर टाइप का दिखेगा। तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना से भी। तो अभी क्या करना है गाइस, आप लोगों को यहाँ पे जाना नीचे स्क्रॉल करना, आपको हमें ब्लेंडिंग मोड मिलेगा, आपको उसको स्क्रीन कर देना है, एंड उसके बाद आपको हमें फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से, एंड इसको गाइस ऊपर की साइड में कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। अब गाइस यहाँ पे जो हमारा काम हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं, एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस रीटच के बिना तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे जाएंगे हम इस लाइट वाले ऑप्शन में, हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे हल्का सा, एंड जो शेडो सॉरी हाईलाइट है इसको हम यहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे, जो शेडो है इसको यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, जो व्हाइट है इसको भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे जाएंगे हम कलर्स में, यहाँ पे गाइस हम वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद गाइस आपको नीचे ऊपर मिलेगा टेम्परेचर, हम इसको माइनस कर देंगे, एंड जाएंगे हम कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सैचुरेशन जो इसको माइनस करेंगे, एंड लूमिनस जो इसको बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद गाइस येलो कलर लेंगे हम, इसका ह्यू माइनस कर देंगे, एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है डार्क ब्लू, आपको इसका ह्यू माइनस कर देना है, माइनस नहीं प्लस कर देना ताकि जो ब्लू कलर वो डार्क हो जाए, ठीक है। सैचुरेशन बढ़ा देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देनी है, एंड फोटो में जब विगनेट होगा गाइस अपनी फोटो के अकॉर्डिंग डाल देना आप सभी को। फिर इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है, एंड जाना आपको फिर नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी, फोटो में जो नोटिफिकेशन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस हम 30K के बहुत करीब हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Oh, 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 oh,